Okay. I will start from this dermoscopy. मैंने एक बात कही बिफोर स्टार्टिंग दिस डर्मोस्कोपी के डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस बिटवीन अ मेलिग्नेंट एंड अ बिनाइन लिजन इज मेनली इन द पैटर्न ऑफ द लिजन. अगर उस पैटर्न के अंदर चाहे वो क्लिनिकल पैटर्न हम देख रहे हैं, चाहे वो हम हिस्टोपैथोलॉजिकल पैटर्न देख रहे हैं, चाहे हम डर्मोस्कोपी पैटर्न देख रहे हैं, उसके अंदर एक रेगुलरिटी होगी तो वो एक बिनाइन लिजन होगा, और जब वही पैटर्न इरेगुलर हो जाएगा तो वो एक मेलिग्नेंट लिजन बन जाएगा. तो इस बात के साथ मैंने आपको इस तस्वीर को जो मैं द पिक्चर विच आई एम शोइंग इज टेकन फ्रॉम रुक, और ये सिर्फ रुक की नहीं है, ये बहुत जगहों पर ये पिक्चर आपको मिलती है. इसमें मेलेनोसाइटिक नीवाए के कुछ पैटर्न दिखाए गए, और इनमें से ना ये जो पैटर्न है इनमें से देयर आर थ्री पैटर्न्स विच आर कॉमन पैटर्न. एक पैटर्न है ये रेटिकुलेट पैटर्न, जब आप उसको डर्मोस्कोपी में देखेंगे कि आपको एक रेटिकुलेट नेटवर्क नजर आए. दूसरा है होमोजेनस पैटर्न, चाहे वो व्हाइट होमोजेनस हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, पिंक हो, लेकिन एक होमोजेनस कलर नजर आता है. और तीसरा पैटर्न है प्रेजेंस ऑफ दीज ग्लोबाई. अब यहां पे ना इस पैटर्न की डिफरेंट अरेंजमेंट्स दिखाई गई, मतलब सिर्फ रेटिकुलर पैटर्न, सिर्फ रेटिकुलर पैटर्न, या रेटिकुलर विद होमोजेनस पैटर्न, या रेटिकुलर विद ग्लोबुलर पैटर्न, या ग्लोबुलर पैटर्न अकेला, या रेटिकुलर और ग्लोबुलर पैटर्न हाफ हाफ. लेकिन एक चीज जो बड़ी क्लियरिंगली नजर आ रही है वो ये है कि जो भी पैटर्न है उस पैटर्न में एक सिमेट्री या एक यूनिफॉर्मिटी मौजूद है. जब किसी भी लिजन के अंदर ये सिमेट्री या यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी तो फिर आप उसको डर्मोस्कोपिकली यू विल से दैट इट इज अ मेलिग्नेंट लिजन एंड इट नीड टू बी बायोप्सी. डर्मोस्कोपी ने ये मदद कर दी है कि डर्मोस्कोपी ने गैर जरूरी लीजन्स की बायोप्सियां करना खत्म करवा दी. सिर्फ उन लीजन्स को बायोप्सी करना चाहिए कि जो सस्पिशियस है, और चूंकि वेस्ट में देयर आर ऑलवेज मल्टीपल लीजन्स विच आर सस्पिशियस, तो फॉर ऑल द रीजन्स डर्मोस्कोपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. दैट इज यू शुड नॉट बी बायोप्सिंग दोज लीजन्स विच आर डर्मोस्कोपिकली बिनाइन. अब ये डर्मोस्कोपिक इमेजेस हैं, वो तो एक ड्रॉन इमेजेस थी ना, ये डर्मोस्कोपिक इमेजेस हैं. जिस तरह से ये रेटिकुलेट नेटवर्क है, ये स्टार बस पैटर्न है नीवस ऑफ रीड का, ये ग्लोबुलर पैटर्न है, ये कंजेनिटल मेलानोसाइटिक नीवस का, ये ब्लू होमोजेनस पैटर्न है ब्लू नीवस का. इस तरह सूडो नेटवर्क है विद ग्लोब्यूल्स और रेटिकुलर पैटर्न विद ग्लोब्यूल्स, ये दोनों मेलानोसाइटिक नीवाए नहीं. तो ये आप देखें कि इन पैटर्न के अंदर, ये जो छह पैटर्न दिखाए गए हैं, इन पैटर्न के अंदर एक एक यूनिफॉर्मिटी है, एक स्ट्रक्चरल यूनिफॉर्मिटी है. ग्लोब्यूल्स हैं या रेटिकुलर पैटर्न है या होमोजेनस पैटर्न है या स्टारबस पैटर्न है, ये एक ही जैसा पैटर्न. नाउ अब देखें कुछ इमेजेस मेलिग्नेंट मेलानोमा. अब यहां पे आपको एटिपिकल पिगमेंटेड, मतलब इरेगुलर सी पिगमेंटेशन और कोई रेटिकुलर नेटवर्क नजर आ रहा है. यहाँ पे तो होमोजेनस पिगमेंटेशन है डार्क ब्लू, वो भी एक साइड पे, कहीं पे इरेगुलर इरेगुलर रेटिकुलेट पैटर्न भी नजर आ रहा है. अब यहाँ पे देखें, ये भी होमोजेनिसिटी बड़ी डिस्टर्ब सी है, ये रेटिकुलर पैटर्न नजर आ रहा है लेकिन ये जो होमोजेनिसिटी है कलर चेंजेस है इसके अंदर. यहाँ पे इवन वाइट स्ट्रीक्स हैं, व्हाइट एंड ब्लैक स्ट्रीक्स. तो ये ना वो जो सिमेट्री थी बिनाइन लिजन की, वो सिमेट्री मेलिग्नेंट लिजन में खत्म होती जा रही थी. अब यहाँ पे एटिपिकल ग्लोब्यूल्स हैं, स्टार लाइक एरिया है, ये नोडुलर मेलानोमा है. यहाँ पे वो होमोजेनस डिपोजिशन भी है, ब्लैक क्लाउड्स, हेमरेजेस, तो यहाँ पे भी एक इरेगुलरिटी सी नजर आ रही है लिजन के अंदर. तो जब एक नॉर्मल रेगुलर
डर्मोस्कोपिक पैटर्न से पैटर्न डिस्टर्ब होगा, इरेगुलरिटी आएगी, तो फिर वो लेजन सस्पिशियस हो जाएगा टू बायोप्सी एंड टू लेबल इट एज मेलिग्नेंट मेलानोमा। ये भी देखें, तो ये इंपॉर्टेंस है डर्मोस्कोपी। और चूंकि डर्मोस्कोपी एक क्लिनिकल टूल है, इट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन, तो इसको ना बेस्ट में मैंने आपसे कहा इट इज एज इंपॉर्टेंट एज अ स्टेथोस्कोप फॉर अ पल्मोनोलॉजिस्ट। दीज आर द फ्यू मोर टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट जो रेडिली अवेलेबल नहीं होंगे, शायद बड़े सेंटर्स में होंगे। रिफ्लेक्टेंस कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी, मल्टी स्पेक्ट्रल एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जीनोमिक एनालिसिस एंड मास स्पेक्ट्रोमीट्री एनालिसिस। इन सारों के मुश्किल मुश्किल नाम थे और इनकी याद करने की कोई अहमियत नहीं, सिर्फ आपको पता हो कि ये चीजें भी मतलब हाई टेक्निकल टूल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू डायग्नोस अ मेलिग्नेंट लीजन। इनमें से कोई भी इन्वेजिव टूल नहीं है। अगर तो डर्मोस्कोपी ही आपकी अच्छी है तो यू डोंट नीड एनी सच एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट। हाउ डज अ मेलानोमा अराइज? 35% ऑफ नोडुलर एंड सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा अराइज विद इन अ बैकग्राउंड ऑफ अ मेलानोसाइटिक नीवस दैट इज एक्वायर्ड और कंजेनिटल। लेकिन उस सूरत में देर शुड बी लॉट ऑफ सन एक्सपोजर। Complicating a dysplastic nevus. Sometimes melanoma arises by itself de novo, जैसे कि cellular nevus में, या lentigo maligna melanoma is not associated with any pre-existing benign or dysplastic lesion. बजाते खुद भी शुरू हो सकता है। तो 35% melanoma original nevi के benign nevi में grow कर सकते हैं, ये figure याद रखनी। Now few clinical images. Lentigo maligna melanoma को हम Hutchison's melanocytic freckle भी कहते हैं। It's an uncommon variety, correlate best with long-standing excessive sun exposure. ये outdoor workers में होता है, वो लोग जिन्होंने सारी उम्र धूप में गुजारी हो। And site of predilection is malar region, nose, temples and forehead. Seen in 6th to 7th decade. You see the variable pigmentation in this image. अभी कोई invasive component नहीं है, सिर्फ pigmentation है। अब यहाँ पे भी there is irregular border and variable pigmentation, dark or light color की pigment. अब यहाँ पे एक इस जगह पे एक हल्का सा nodule बन रहा है, लेकिन छोटा है। Now this is a major. अब यहाँ पे this is a बिगर नोड्यूल। जब ये नोड्यूल बनता है क्लिनिकली, तो हिस्टोलॉजिकली ये एज्यूम कर लें कि अब जो मेलानोमा है वो वर्टिकल फेस के अंदर एंटर हो रहा है, दैट इज डर्मिस के अंदर इन्वेजन शुरू हो गई। दिस इज अ सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा, दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेलिग्नेंट मेलानोमा। टिपिकल साइज, legs in female and back in male. The greater variation in pigment wo ABCD iske upar apply hota hai is region pe. This is again a nodular lesion on superficial spreading melanoma. Isme ulceration bhi nazar aa rahi hai, ye ulceration. Ulceration is always a bad sign. Jab aapko main staging samjhaunga to usme चाहे स्टेज वन हो, चाहे टू हो, चाहे थ्री हो, उसका ए और बी क्राइटेरिया है। तो जो भी बी क्राइटेरिया है ना, स्टेज वन का, स्टेज टू का, तो उसमें अल्सरेशन है। एक वो है कि जो लीजन विदाउट अल्सरेशन है और एक विद अल्सरेशन। तो अल्सरेशन इज ऑलवेज अ बैड साइन फॉर अ मेलानोमा। दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ मेलिग्नेंट मेलानोमा, दैट इज एक्रल लेंटिजिनस मेलानोमा, common subtype in Afro-Caribbeans and Orientals, seen underneath the nail on acral sites like nails and heels. ye
जो पिगमेंटेड नीवाए नेल के होते हैं वो भी मेलानोमा में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड यूजुअली प्रेजेंट एज इरेगुलर ग्रेजुअली एनलार्जिंग वेरिएबली पिगमेंटेड मैक्यूल। एक्रल लेंटिजिनस मेलानोमा का ये है कि इट प्रोग्रेसेस टू वर्टिकल ग्रोथ फेज बाय डेवलपमेंट ऑफ नोड्यूल्स एंड अल्सरेशन एंड इज अगेन नॉट अ वेरी गुड मेलानोमा देन द नोड्यूलर मेलानोमा, जिसके मैंने आपको पहले भी बताया था कि दिस मेलानोमा हैज वर्चुअल नो रेडियल ग्रोथ फेज एंड इट स्टार्ट्स रेडियल और हॉरिजॉन्टल एक ही बात एंड इट स्टार्ट्स एज अ डूम शेप नोड्यूल ऑफ इन्वेसिव ग्रोथ एंड इज अ बैड मेलानोमा। दिस इज एन ए मेलानोटिक मेलानोमा। अब ये ए मेलानोटिक मेलानोमा को डायग्नोज करना डबल डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बीसीसी और एससीसी का डिफरेंशियल भी आ जाएगा, तो हमें हिस्टोलॉजी जरूर करनी पड़ेगी। मेलानोमा कैन अकर इन अदर साइट्स, वेयर एवर देयर इज मेलन मेलानोसाइट्स वहां पे मेलानोमा हो सकता है, जैसे कि माउथ और वल्वा। प्राइमरी मेलानोमा अराइजिंग ऑन म्यूकोजल एपिथेलिया लाइनिंग रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट आर क्वाइट रेयर, लेस देन 5%। प्रेजेंटेशन वैसी ही होगी कि इरेगुलर मैक्यूलर पिगमेंटेशन, अल्सरेशन एंड ब्लीडिंग एंड इट हैज अ बैड प्रोग्नोसिस बिकॉज इट वुड कम टू द डायग्नोसिस या अटेंशन ऑफ द पेशेंट वेरी लेट। कुछ अरसे पहले एक विजाइनल मेलानोमा देखने का इत्तेफाक हुआ मुझे, ओल्ड एज पेशेंट थी। जब उन्होंने नोटिस किया उसके बाद विद इन 3 to 4 months उनकी डेथ हो गई, क्योंकि नोटिस पे ही वो मेलानोमा बहुत बड़ा था। ऑकुलर मेलानोमा, इट अराइज फ्रॉम अ मेलानोसाइट सिचुएटेड इन कंजंक्टाइवल मेम्ब्रेन एंड यूवीएल ट्रैक। सेकेंड कॉमनेस्ट टाइप ऑफ मेलानोमा आफ्टर कुटेनियस मेलानोमा। ऑकुलर मेलानोमा कुटेनियस मेलानोमा के बाद सेकेंड कॉमनेस्ट मेलानोमा है। यूवीएल मेलानोमा कैन बी डिटेक्टेड इंसिडेंटली ऑन आई एग्जामिनेशन, हाउएवर कंजंक्टाइवल मेलानोमा प्रेजेंट एज रेज पिगमेंटेड लीजन, ये आपको जल्दी नजर आ जाएगा। ए मेलानोटिक लीजन इन द आई आर ऑफ कोर्स वेरी चैलेंजिंग। रिग्रेसिव मेलानोमा, दिस इज अ वेरी ट्रिकी मेलानोमा। इन्फ्लेमेशन जब भी आएगी मेलानोमा में, वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स मेलानोमा के सेल्स को खत्म करके रिग्रेस कर देंगे और ये एक तरह का फॉल्स सेंस ऑफ रिलैक्सेशन होगा, जबकि मेलानोमा मौजूद होगा। बायोप्सी करेंगे उसमें अगर आप इस रिग्रेशन को महसूस या ऑब्जर्व नहीं करते और आप ये कहते हैं कि यहाँ पे तो मेलानोमा है ही नहीं, तो वो मेलानोमा अंदर ही अंदर पेशेंट को डैमेज करेगा और जब दोबारा वो सामने आएगा उस वक्त वो स्प्रेड कर चुका। दैट इज वाई अ रिग्रेसिव मेलानोमा इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी अ बैड साइन। कैसे रिग्रेशन नजर आती है आई विल टेल। साइनो नेजल मेलानोमा, ये वो मेलानोमा है जो साइनसिस के अंदर या नेजल कैविटी में, अगेन जिस तरह वेजाइनल मेलानोमा का कहा था, इट इज लेट प्रेजेंटिंग मेलानोमा, दैट इज वाई इट हैज कैरिंग अ पुअर प्रोग्नोसिस। नाउ हिस्टोपैथोलॉजी, मेलानोमा द रेडियल और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फेज। अभी मैं आपको रेडियल या हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फेज के बारे में बता रहा हूँ। आई एम नॉट पर्टिकुलरली टचिंग एनी टाइप ऑफ मेलानोमा। तो बेसिकली हॉरिजॉन्टल और रेडियल ग्रोथ फेज का मतलब ये होता है कि जो मेलानोमा है वो एपिडर्मस में रिस्ट्रिक्टेड है। अब इस पिक्चर में आप देखें कि यहाँ पे मेलानोसाइट्स के नेस्ट्स हैं और ये जो नेस्ट्स होते हैं मेलानोसाइट्स के, ये वेरी मच एपिडर्मस का हिस्सा होते हैं और क्योंकि मेलानोसाइट्स आर पार्ट ऑफ एपिडर्मस या बेसल लेयर। लेकिन एक बात आप नोट करेंगे जिन लोगों ने मेरा बिनाइन नीवाए का लेक्चर अटेंड किया, कि जो मेलानोसाइट नेस्ट्स हैं बिनाइन जंक्शनल नीवस के, वो रेटी रिजिस के टिप्स पे होते, जबकि जो मेलिग्नेंट नेस्ट्स हैं वो रेटी रिजिस के साइड्स पे होते हैं और डर्मल पेपिली के टिप पे होते हैं।
ये डर्मल पेपली के टिप पे होती है। दूसरी बात, जो नेस्ट्स हैं ये इरेगुलर साइज के हैं, इरेगुलर शेप के हैं, और अगर गौर से देखेंगे तो इसमें सेल्स भी इरेगुलर हैं। इसके अलावा आपको सिंगली मेलानोमा के सेल्स, ये वाले जो एबनॉर्मल साइज के सेल्स हैं विद हेलो, ये आपको एपिडर्मस में स्प्रेड नजर आ रहे हैं। इसको पेजिटॉइड स्प्रेड भी कहा जाता है। अगर आप बाय सर ये डिफरेंस प्लीज रिपीट कर दीजिएगा जो आपने टिप का पैपिलरी टिप का और जो बताया बच्चों। जंक्शनल नीवस या बिनाइन नीवस के अंदर जो नेस्ट होते हैं मेलानोसाइट्स के, वो रेटी रिजेस की टिप्स के ऊपर, ये रेटी रिज है, इधर होना चाहिए। जो एटिपिकल नीवाए होते हैं या मेलिग्नेंट मेलानोमा होता है, उसमें जो नेस्ट होते हैं वो रेटी रिजेस की साइडों पे होते हैं और डर्मल पेपिली के टिप्स पे होते हैं। ये रेटी रिज है और ये डर्मल पेपिली है, वो डर्मस का पोर्शन जो एपिडर्मस के अंदर जा रहा है। तो या तो वो नेस्ट रेटी रिजेस के साइड पे होंगे या डर्मल पेपिली के टिप्स पे होंगे, एक तो ये डिफरेंस। दूसरा ये डिफरेंस कि ये जो नेस्ट हैं ये इरेगुलर साइज के हैं, इरेगुलर शेप्स के हैं। और इसके अलावा जब और गौर से देखा जाएगा तो इंडिविजुअल मेलानोसाइट्स भी एबनॉर्मल होंगे। तो ये सारे फीचर्स के साथ हम ये कह सकते हैं कि ये नॉर्मल नीवस नहीं है, ये मेलिग्नेंट मेलानोमा है। अगरचे ये मेलानोमा एपिडर्मस से नीचे नहीं आया, अभी ये इनसाइटो मेलानोमा है, लेकिन चूंकि नेस्ट जो है मेलानोसाइटिक नेस्ट, These nests are part of epidermis, not the dermis. अगरचे लग रहा है कि ये dermis है, लेकिन ये dermis नहीं है। Nests are part of epidermis, क्योंकि melanocytes are part of epidermis, basal layer के cells, वहीं पे proliferate होते हैं, वहीं पे nest बना। तो ये जो phenomena यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये pagetoid spread। अब मैं आपको ये बता रहा था कि by the definition पेजिटॉइड का मतलब ये है कि जो मेलिग्नेंट सेल्स हैं वो बेजल लेयर से शुरू होके एपिडर्मस की टॉप तक जा रहे हैं, यानी कि एपिडर्मस की हर लेयर को मेलिग्नेंट सेल्स इन्वॉल्व कर रहे हैं। बाय डेफिनेशन दिस इज अ पेजिटॉइड स्प्रेड। जो नेस्ट या जो सेल्स नीचे होंगे वो सेल नीचे नेस्ट की फॉर्म में होंगे और आहिस्ता आहिस्ता सिंगली चले जाएंगे, लेकिन पूरी एपिडर्मस को इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये फिनोमेना पेजिटॉइड स्प्रेड कहलाता है, जो सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा का फीचर है और पेजिट्स डिजीज का भी फीचर, बोबन्स डिजीज का भी। तो ये है हमारी हॉरिजॉन्टल या रेडियल ग्रोथ के, ट्यूमर बेजल लेयर से स्टार्ट हुआ और उसने एपिडर्मस को ही इन्वॉल्व किया हॉरिजॉन्टली। अब दूसरा फिनोमेना, अच्छा सॉरी, ये अब है माइक्रो इन्वेजिव रेडियल ग्रोथ फेज। माइक्रो इन्वेजिव से मुराद है कि इन्वेजिव टू द डर्मस। जब हम इन्वेजिव का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि एक ट्यूमर इन्वेजिव है और एक ट्यूमर नॉन इन्वेजिव, इसका मतलब है एक ट्यूमर ने डर्मस को इन्वॉल्व किया, एक ने नहीं किया। तो माइक्रो इन्वेजिव रेडियल ग्रोथ फेज, यानी कि रेडियल ग्रोथ फेज तो है, यहाँ पे आपको मेलानोसाइट्स डिफरेंट लेवल ऑफ एपिडर्मस में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मेलानोसाइटिक नेस्ट हैं वो डर्मस के अंदर भी एंटर हो, माइक्रो इन्वेजिव। और माइक्रो इन्वेजिव कब कहते हैं, जब इंडिविजुअल नेस्ट जो डर्मस में हैं उनमें कम 20 सेल से कम मेलानोसाइट्स हों, लेस देन 20 सेल पर नेस्ट। जब नेस्ट डर्मस के लेस देन 20 सेल्स पे होंगे तो उस फेज को माइक्रो इन्वेजिव फेज कहा जाता है मेलिग्नेंट मेलानोमा की। इस मौके पे भी इसका मेटास्टेटिक पोटेंशियल ज्यादा नहीं है और प्रोग्नोसिस अच्छी है। नाउ अब फ्रैंक वर्टिकल ग्रोथ फेज में आ गया है। यहां पे आप देखें बेजल लेयर के ऊपर नेस्टिंग है, ये नेस्ट है,
लेकिन इसके साथ साथ मेलानोमा के नेस्ट डर्मिस के अंदर भी दाखिल हो रहे हैं ये और जो नेस्ट हैं जो डर्मिस में हैं उनमें से किसी भी एक नेस्ट में अगर 20 से ज्यादा सेल आप काउंट कर लें तो आप समझ लें अब ये माइक्रो इन्वेसिव नहीं, ये ट्रू वर्टिकल ग्रोथ फेज में मेलानोमा एंटर हो गया। और एक और बात, जो डर्मल नेस्ट में मेलानोसाइट्स हैं उनका साइज जो एपिडर्मस के मेलानोसाइट्स हैं वो उससे बड़ा होता है, ये भी एबनॉर्मैलिटी है। तो अब आपको डिफरेंस पता चल गया कि रेडियल और हॉरिजॉन्टल ग्रोथ फेस क्या है, पेजिटॉइड स्प्रेड क्या है, और माइक्रो इन्वेसिव ग्रोथ फेस क्या है, और ट्रू वर्टिकल ग्रोथ फेस क्या है। 20 सेल से कम माइक्रो इन्वेसिव, 20 सेल्स से ज्यादा ट्रू वर्टिकल ग्रोथ फेस। लेकिन ये जो नंबर है ये डर्मल मेलानोसाइटिक नेस्ट के ऊपर अप्लाई हो रहा है। डर्मल माइटोसिस का मिलना बहुत सिग्निफिकेंट है। एक माइटोसिस भी मिलेगा तो उसकी प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंट, हम जब इसकी प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस निकालते हैं मेलानोमा की तो हम नंबर ऑफ माइटोसिस कैलकुलेट करते हैं और उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। नाउ लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा के बारे में मैंने आपको पहली बात बताई कि दिस ट्यूमर हैज अ लॉन्ग वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल और रेडियल ग्रोथ फेज। नाउ इस जगह पे इसको लेंटाइगा मेलानोमा नहीं कहेंगे, एटिपिकल या डिस्प्लास्टिक नीवर जरूर कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको डिस्प्लेजिया नजर आ रहा है मेलानोसाइट्स का लेकिन नेस्टिंग नहीं बनी है। तो ये बिल्कुल स्टार्ट है, हियर यू कैन सी यहाँ पे जो मेलानोसाइट्स हैं उनकी शेप्स काफी हद तक खराब हो चुकी है। तो नाउ इतना आर्किटेक्चरल एटीपिया इतना नहीं है जितना स्ट्रक्चरल एटीपिया प्रोमिनेंट। और लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा में एक बात मैंने आपको पहले बताई कि ये उन लोगों को होता है जो क्रॉनिक सन एक्सपोजर रखते हैं, आउटडोर वर्कर्स होते हैं, ऐसे लोगों के अंदर डर्मिस के अपर डर्मिस में सोलर एलास्टोसिस की फाइंडिंग भी होती है। ये एक तरह का क्लू होता है कि पेशेंट इज अ क्रॉनिक सन डैमेज, हैज अ क्रॉनिक सन डैमेज स्किन। तो ये एबनॉर्मल जो सेल्स हैं ये मेलानोमा की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, अगर कि इस वक्त स्ट्रक्चरल एटीपिया इतना नहीं है जितना सेलुलर एटीपिया प्रॉब्लम। ये अब आया स्ट्रक्चरल एटीपिया, हमें नेस्ट्स मिल रहे हैं ऑफ एबनॉर्मल साइजेस एंड शेप्स। एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू डिफरेंशिएट अ लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा फ्रॉम अ सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा वो ये है जो मैंने आपको पिछली दफा भी बताई बिनाइन नीवाए में कि लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा के जो इंडिविजुअल मेलानोसाइट्स होते हैं वो स्पिंडल शेप के होते हैं, उनके ना नोके होती हैं अगर हम उसको कंपेयर करें विद सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा। सेल्स हैव स्पिंडली शेप, यहाँ पे ज्यादा वाजे नजर आ रहे हैं पतले नुकीले सेल्स, एंड एपिडर्मस इज एट्रोफिक, मल्टी न्यूक्लिएटेड मेलानोसाइट्स भी मिलेंगे विच इज अगेन हैज अ डायग्नोस्टिक क्लू बट बहुत ज्यादा इसकी प्रोग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस नहीं है। ये स्पिंडल मॉर्फोलॉजी है, वही जो स्पिंडल शेप सेल जो नेस्ट के अंदर होंगे वो ही डर्मस के अंदर भी होंगे। तो जो डर्मल कंपोनेंट होता है लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा का वो डर्मल कंपोनेंट भी स्पिंडली होगा, ये माइटोसिस हाईलाइट किए जा रहे हैं। जो नीवाए हैं मेलानोसिटिक नीवाए के सेल वो स्पिंडल्ड मॉर्फोलॉजी। अब आ गया सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा। सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा से इस तरह डिफरेंट है कि यहाँ पे जो जंक्शनल नेस्ट यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं और अगेन ये जो जंक्शनल नेस्ट हैं ये एबनॉर्मल शेप्स के हैं।
लेकिन जो चीज यहाँ पे नजर आ रही है वो ये है कि ये सेल एपिथीलियोइड मॉर्फोलॉजी के हैं। एपिथीलियोइड का मतलब है कि सेल्स की जो शेप है वो एपिथीलियल सेल्स की जैसी है, ग्राउंड न्यूक्लियस एंड लॉट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। और यहाँ पे एक और टर्म इंट्रोड्यूस की जाए, बक शॉट स्कैटर। बक शॉट स्कैटर पेजिटॉइड स्प्रेड की तरह की टर्मिनोलॉजी, जैसे पेजिटॉइड स्प्रेड था ना कि ट्यूमर बेजल लेयर से लेके एपिडर्मस की टॉप लेयर तक मौजूद है, इसको हम पेजिटॉइड स्प्रेड कहते हैं। जो बकशॉट स्कैटर है वो भी पेजिटॉइड स्प्रेड है, लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि जो एक यूनिफॉर्मिटी पेजिटॉइड स्प्रेड में थी कि नीचे बड़े नेस्ट थे ऊपर छोटे नेस्ट थे, बकशॉट स्कैटर में ऐसी कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं। जैसे कि एक बम फटा तो उसके स्प्लिंटर्स कहीं पे भी जा सकते, छोटे बड़े। तो एपिडर्मस के अंदर टॉप पे हो सकता है कि बड़ा नेस्ट हो और नीचे छोटा नेस्ट हो। तो बकशॉट स्कैटर इज जस्ट लाइक पेजिटॉइड स्प्रेड, लेकिन पेजिटॉइड स्प्रेड में एक यूनिफॉर्मिटी थी स्कैटर की, लेकिन बकशॉट स्कैटर में यूनिफॉर्मिटी नहीं है स्कैटरिंग। अब सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा इज दैट मेलानोमा which is common in those individuals who are in habit of spending their vacations under the sun, yani ki short intermittent intense sun exposure. To aise logon ko aam taur pe solar elastosis ki findings nahi hoti, to solar elastosis nahi milega aur abnormal finding yahan pe nest nazar aa gaye aur epithelioids nest hain. Ab ye bhi is picture mein there are abnormal nests and here एपिडर्मस के अंदर भी ये जा रहे हैं, ये रेडियल फेज है और इसके साथ अभी ये रेडियल फेज में ही है, इसमें इतना डर्मल फेज आई नहीं। नाउ ये अब इसकी डर्मल फेज, इन्वेसिव फेज या वर्टिकल ग्रोथ फेज। अब जो लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा की जो वर्टिकल ग्रोथ फेज थी उसमें जो मेलानोसाइट्स थे डर्मस में वो भी स्पिंडली थे, लेकिन सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा में जो एपिडर्मल नेस्ट हैं वो भी एपिथीलियोइड शेप के हैं और जो डर्मल नेस्ट हैं वो भी एपिथीलियोइड शेप। अब यहाँ पे एबनॉर्मल ह्यूज जाइंट मेलानोसोम मेलानोसाइट्स भी हैं और माइटोसिस भी है, मतलब बाकी फीचर मेलिग्नेंसी के दोनों के एक जैसे हैं। बस फर्क ये है कि लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा में जो मेलानोसाइट्स हैं वो स्पिंडली मॉर्फोलॉजी के और सुपरफिशियल स्प्रेडिंग में एपिथीलियोइड मॉर्फोलॉजी के होते हैं। लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा में सोरल इलास्टोसिस मिलता है, जबकि सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा में सोलर इलास्टोसिस इतना नहीं मिलता। पेजिटॉइड स्प्रेड दोनों में हो सकता है, लेकिन बकशॉट स्कैटर सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा का। एक्रल लेंटिजिनस मेलानोमा, इसके अंदर पहले लेंटिजिनस कंपोनेंट होगा, यहाँ मेलानोसाइट्स आपको बेजल लेयर पे नजर आएंगे और आहिस्ता आहिस्ता वही पैटर्न इख्तियार कर लेंगे जो बाकी मेलानोमा करते हैं। दे आर मार्क एलोंगेशन ऑफ रेटी रिजेस दे विल बी एलोंगेटेड विद एबनॉर्मल मेलानोसाइट्स। Junctional nests are present at the tips of reti ridges rather than side पे, जैसे के lentigo maligna melanoma। यहाँ पे ये जो abnormal nests हैं ये reti ridges की tips के ऊपर, ये एक histological difference है between lentigo maligna melanoma with acral lentiginous melanoma। और एक और feature है, there are additional feature is skip area, के दरमियान में ऐसा एरिया भी आ रहा है जो बिल्कुल नॉर्मल है। स्किप एरिया भी लेंटाइगो मेलिग्ना का फीचर नहीं है। अदरवाइज एक्रल लेंटिजिनस मेलानोमा और लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा दोनों के जो मेलानोसाइट्स हैं वो स्पिंडल मॉर्फोलॉजी। तो एज फार एज द स्पिंडल मॉर्फोलॉजी इज कंसिडर्ड, दोनों में आप डिफरेंस नहीं कर सकेंगे। जब डिफरेंस करना होगा तो आप उनकी नेस्ट की लोकेशन देखेंगे। लेंटाइगो मेलिग्ना मेलानोमा में वो रेटी रिजेस के साइड पे या डर्मल पेपिली के टिप्स पे हो,
जबकि एक्रल लेंटिजिनस मेलानोमा में रेटिरिजिस की टिप्स पे होंगे, और दूसरा स्किप एरियाज होंगे, एरियाज ऑफ नॉर्मल एपिडर्मस बिटवीन द एबनॉर्मल मेलानोसाइट्स. This is a nodular melanoma. इस nodular melanoma की खास बात यह है कि there is no evidence of preceding radial growth phase. यहाँ पे epidermis thinned out है, ये ज़ाहिर है कोई nodule है clinically, raised lesion है, उसके ऊपर ये epidermis stretched है. This variant is typically sharply circumscribed और involves 3-4 retiridges. इसमें नेस्ट कंपोनेंट कम है और देर इज शार्प डिमार्केशन बिटवीन एबनॉर्मल एंड नॉर्मल डर्मिस. ए मेलानोटिक मेलानोमा, इसका खास बात यह कि इसमें पिगमेंट नहीं मिलेगा. अब ए मेलानोटिक मेलानोमा एक एटिपिकल लीजन है कि जिसकी कोई खास मॉर्फोलॉजी नहीं है. इसको मेलानोमा डायग्नोज करने के लिए हमें इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री की मदद लेनी पड़ेगी. सबसे कॉमन इम्यूनो हिस्टोकेमिकल मार्कर है S100, जिसकी बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी है लेकिन स्पेसिफिसिटी लो है, क्योंकि S100 न्यूरल ओरिजिन के ट्यूमर्स में और लैंगरहैंस सेल में भी पॉजिटिव आ जाता है. मेलन ए अगेन एक मार्कर है जो बोथ बिनाइन और मेलिग्नेंट मेलानोमा में पॉजिटिव होता है, लेकिन ये मेलानोसाइट्स के अलावा और दूसरे ट्यूमर्स में पॉजिटिव नहीं होता. सेल टाइप मेलानोमा मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया. एपिथेलियोइड सेल्स होते हैं सुपरफिशियल स्प्रेडिंग में, और स्पिंडल होते हैं लेंटाइगो मेलिग्ना और एक्रल लेंटाइगो मेलिग्ना. ये आखिरी पोर्शन है आज की टॉक. द सेलियंट फीचर्स इन हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट ऑफ अ मेलिग्नेंट मेलानोमा. एक तो बर्सलो थिकनेस, जिसके बारे में आप लोग सवाल कर रहे थे. क्लार्क लेवल ऑफ इन्वेजन, अब इसको यूज नहीं किया जाता फर्दर. माइटोटिक रेट, रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस, ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट, रिग्रेशन ग्रोथ फेज, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो सैटेलाइट और इन्वेजन, ये फीचर्स जो मेलानोमा की रिपोर्ट होती है. इट इज अ वेरी एक्सटेंसिव रिपोर्ट, और इन तमाम फीचर्स के प्रोग्नोसिस के ऊपर इम्प्लीकेशन है. एक तो प्रोग्नोसिस हम निकालेंगे कल फ्राइडे को, व्हेन आई विल बी डिस्कसिंग द स्टेजेस ऑफ मेलानोमा. लेकिन उन स्टेजेस के अलावा ये जो माइनर फीचर्स होते हैं मेलिग्नेंट मेलानोमा के, ये भी प्रोग्नोसिस को बढ़ाते और घटाते रहते हैं. ब्रसलो थिकनेस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंगल प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर. ये एग्रेसिवनेस क्लिनिकली में भी है और हिस्टोलॉजिकली भी. इट इज मेजर्ड फ्रॉम द ग्रैनुलर लेयर ऑफ एपिडर्मस टू द डीपेस्ट लेयर ऑफ इन्वेजन. या अगर अल्सरेशन है तो इट इज मेजर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द अल्सर हिस्टोलॉजी में. अब ये ग्रैनुलर लेयर है एपिडर्मस की, एपिडर्मस है, और ये डर्मस की इन्वेजन है इस ट्यूमर की. तो हम यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट या इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, जो हमें बताएगा कि ये कितना डीप मेलानोमा है. अगर 1 mm से कम है तो वो T1 उसकी स्टेज, 1-2 mm का है तो T2 स्टेज में है, अगर 2-4 mm का है तो T3 की स्टेज, और अगर वो 4 mm से ज्यादा है तो वो T4 की स्टेज में. ये स्टेजिंग नेक्स्ट टाइम डिस्कस की जाए. क्लार्क लेवल को सिर्फ इतना समझ लें कि ये क्या चीज थी, लेकिन अब क्लार्क लेवल को यूज नहीं किया जाता फॉर प्रोग्नोसिस एंड टू डिटरमिन द एग्रेसिवनेस. क्लार्क लेवल के 5 लेवल होते थे. लेवल 1 वाज इनसाइटू मेलानोमा, लेवल 2 इज इन्वेजन ऑफ पेपुलरी डर्मस, लेवल 3 इज फुली पेपुलरी डर्मस इन्वेड हो गया, लेवल 4 रेटिकुलर डर्मस को इफेक्ट कर रहा है, और लेवल 5 इन्वेजन ऑफ सबकुटेनियस ट्रैक. ये टर्मिनोलॉजी इसलिए इन्वोक नहीं रही क्योंकि ये एक बहुत लेमैन टर्मिनोलॉजी. ये नहीं, ये भी हो सकता है कि एक ट्यूमर क्लार्क लेवल 3 पे है, कि वो पेपुलरी डर्मस को इन्वॉल्व कर रहा है, रेटिकुलर डर्मस को इन्वॉल्व नहीं कर रहा.
लेकिन उसके अंदर माइटोसिस इतना ज्यादा है, उसका स्ट्रक्चरल एटीपिया इतना है, उसमें इन्वेजन है कि वो बैड प्रोग्नोस्टिक ट्यूमर बन सकता है। तो इसलिए ना ये अब इसको इसलिए इतनी लिफ्ट नहीं कराई जा। माइटोटिक रेट ऑफ अ ट्यूमर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इट इज डिटरमाइंड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ माइटोटिक फिगर्स इन 5 हाई पावर फील्ड। जो एक हाई पावर फील्ड है वो जब आप 40 की मैग्निफिकेशन पे इस लिजन को लगाएंगे तो वो जो कुछ नजर आएगा उस 40 की मैग्निफिकेशन में वो एक हाई पावर। तो इस तरह से आप मूव करते हुए 5 हाई पावर फील्ड में नंबर ऑफ माइटोसिस कैलकुलेट कर, तो वो उसका माइटोटिक रेट निकल आए। हाई माइटोटिक रेट, पुअर प्रोग्नोसिस। इसमें पूरी एक हाई पावर फील्ड में एक माइटोसिस नजर आ, हो सकता है कि अगली 5 माइटोटिक फिगर में भी एक एक मिले, तो फिर इसका हो जाएगा 5 माइटोसिस पर 5 हाई पावर फील्ड। जो रिस्क ऑफ मेटास्टेसिस है वो इंक्रीज होता है बाय इंक्रीजिंग द साइज और थिकनेस ऑफ ट्यूमर। बर्सलो थिकनेस जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, मेटास्टेसिस का चांस बढ़ता चला जाएगा। और किसी भी एक थिकनेस में, फॉर एग्जांपल 1 mm का एक लीजन है लेकिन उसमें अल्सरेशन है, तो अल्सरेटेड लीजन हैज मोर चांसेस टू मेटास्टेसाइज एज कंपेयर टू अ नॉन अल्सरेटेड लीजन। ये आप इस तरह याद रखें कि हर स्टेज में ए बी स्टेज, सॉरी हर TNM में ए बी स्टेज है, मतलब T1A, T1B, T1A 1 mm से कम थिकनेस लेकिन अल्सरेशन नहीं, T1B मतलब 1 mm से ज्यादा थिकनेस, सॉरी 1 mm से कम थिकनेस लेकिन विद अल्सरेशन। ये एक बहुत टिपिकल और बहुत डिफरेंट किस्म की एक फिनोमेना है, इनफिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट। कहा जाता है कि इंफ्लेमेटरी सेल्स आर अट्रैक्टेड टू मेलिग्नेंसी। दिस इज ट्रू फॉर एनी मेलिग्नेंसी, चाहे वो सेबेशियस कार्सिनोमा हो, चाहे वो बेसल सेल कार्सिनोमा हो, चाहे वो SCC हो, इंफ्लेमेटरी सेल्स आते ही आते। अगर मेलिग्नेंट मेलानोमा में लिम्फोसाइट्स आर कमिंग इन ह्यूज नंबर, तो इसका जो प्रोग्नोसिस है वो अच्छा है। मोर लिम्फोसाइट्स इन अ ट्यूमर, गुड प्रोग्नोसिस, उसको ब्रिस्क एक्टिविटी कहते हैं। नॉन ब्रिस्क, कम लिम्फोसाइट और उसका 10 ईयर सर्वाइवल रिड्यूस हो गया, नो लिम्फोसाइट्स, मजीद रिड्यूस हो गया। तो इसलिए ट्यूमर इन्फिल्ट्रेटिंग लिम्फोसाइट्स, अब यहाँ पे लिम्फोसाइट्स ही लिम्फोसाइट्स, ये छोटे छोटे सेल्स लिम्फोज हैं, ये मेलानोसाइट्स नहीं है, ये ब्रिस्क एक्टिविटी, ये मेलानोसाइट्स हैं, यहाँ पे जो थोड़े पिंकिश साइटोप्लाज्म के नजर आ रहे हैं। ब्रिस्क एक्टिविटी, ज्यादा लिम्फोसाइट्स, गुड प्रोग्नोसिस। ये कैटेगरी सी है जिसमें मेलानोसाइटिक नेस्ट है लेकिन लिम्फोसाइट्स कम है, लेस लिम्फोसाइट्स, पुअर प्रोग्नोसिस। रिग्रेशन की क्या अहमियत? इन थिन मेलानोमा इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज द फीचर्स ऑफ रिग्रेशन व्हिच इज पर्टिकुलरली एविडेंट इन डर्मल कंपोनेंट। द फीचर्स इंक्लूड absent or reduced number of malignant melanocytes, isolated tumor islands, apoptotic form, chronic infiltrate, melanophages, horizontal scarring, telangiectatic vesicles. ये जो सारी चीजें हैं, ये चीजें एक एक्सपर्ट नोट करता है, क्योंकि रिग्रेशन की वजह से उस लीजन में एबनॉर्मल मेलेनोसाइट्स कम नजर आते। तो अगर आपको मेलानोफेजेस मिल रहे हैं, स्कारिंग मिल रही है, टेलंगेक्टिक वेसल्स मिल रही हैं, एपोप्टोटिक डीजेनरेटेड सेल्स मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेलानोमा रिग्रेस कर चुका। इन थिन ट्यूमर्स इट कोरिलेट्स विद इम्पेयर्ड प्रोग्नोसिस। कंप्लीट रिग्रेशन ऑफ अनडायग्नोज प्राइमरी मेलानोमा
may be an explanation for patients presenting with metastatic tumor of indeterminate derivation. मैंने आपको ये बताया था इससे पहले जब रिग्रेशन को डिस्कस किया था कि रिग्रेशन अगर एक नॉन एक्सपर्ट डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट मेलानोमा को स्टडी कर रहा है वो रिग्रेशन को रीड नहीं कर पाता, वो ये कहता है कि इसकी माइक्रो इन्वेसिव ग्रोथ फेज है, इस मेलानोमा की छोटे छोटे नेस्ट हैं, और वो पेशेंट को रिलैक्स कर देता है कि प्रोग्नोसिस गुड है, देर इज नो नीड कि हम सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी पे जाएं या हम सीटी स्कैंस कराएं टू डिटरमिन द मैलिग्नेंट स्प्रेड. तो कुछ अरसे के बाद पेशेंट बहुत बुरी स्टेज में प्रेजेंट करे. दैट्स व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ गुड डर्मेटोपैथोलॉजिस्ट टू डिटेक्ट द साइंस ऑफ रिग्रेशन, ताकि वो वॉर्न कर सके कि ये मैलिग्नेंट मेलानोमा यहाँ पे रिग्रेस हुआ है, एंड दीज आर द साइंस कि यहाँ पे मैलिग्नेंट मेलानोमा था, एंड दिस इज अ पेशेंट हु नीड्स थॉरो वर्कअप टू डिटरमिन कि इसको कहाँ कहाँ पे मेटास्टिसाइज कर चुका है ये ट्यूमर. तो ये इंपॉर्टेंट है रिग्रेशन की. सम ऑथर्स रिकमेंड सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी फॉर थिन मेलानोमा इफ देयर इज एविडेंस ऑफ एक्सटेंसिव रिग्रेशन. सेंट्रल लिम्फ नोड बायोप्सी क्या होती है? नेक्स्ट टॉक. अब इसमें रिग्रेशन पिगमेंटेशन है, लिम्फोसाइट्स हैं, लेकिन मेलानोसाइट्स बहुत कम हो गए हैं, लेकिन मेलानोफेजेस हैं, स्कारिंग नजर आ रही. माइक्रोसेटेलाइट्स क्या होती है? दीज आर डिफाइंड एज डिस्टेंट ट्यूमर नोड्यूल्स मेजरिंग 0.05 mm or more in diameter, which are separate from the main tumor in sections containing the thickest region of melanoma. Yani ek jagah pe melanoma hai, hum kyunki melanoma usually badi badi biopsiyan jaati hain melanoma ke liye, to us melanoma se hat ke ek usi tarah ke melanocytes ka ek chota satellite hai jisko hum microsatellite kehte hain. It is associated with increased risk of recurrence, regional lymph node metastasis, and diminished survival. Microsatellite का मतलब obvious मतलब ये है कि tumor जो है वो invasive phase में, जब भी वो tumor छोटे छोटे tumor satellites छोड़ रहा है, और एक satellite का मतलब ये है कि उसने और भी जगह छोड़े हैं. अब 0.05 mm का माइक्रो सेटेलाइट किसी भी जगह स्किन में पड़ा होगा, नजर नहीं आएगा. तो ऐसे अगर एक भी माइक्रो सेटेलाइट मिल जाए, इट कैरीज अ पुअर प्रोग्नोसिस, और उस पेशेंट को हमें सीरियस मेलानोमा के तौर पर ट्रीट करना. आखिरी फीचर इन्वेजन का है कि अगर मेलानोसाइट्स वेसल्स या नर्व में इन्वेड कर रहे हैं तो दीज आर बैड प्रोग्नोस्टिक साइंस. यहाँ पे ये एक ब्लड वेसल है विद एंडोथेलियल लाइनिंग, और यहाँ पे एबनॉर्मल मेलानोसाइट्स इस एंडो वेसल के अंदर प्रोट्रूड कर, ये इंट्रा या वेस्कुलर इन्वेजन, और ये नर्वस टिश्यू, और ये मेलानोसाइट्स एबनॉर्मल मेलानोसाइट्स इस नर्व के अंदर आ रहे हैं, ये पेरी न्यूरल या इंट्रा न्यूरल इन्वेजन है, और बोथ दीज इन्वेजन्स आर पुअर प्रोग्नोस्टिक साइंस. तो आज के लिए इतना. अब जो अगला सेशन है जो फ्राइडे को होगा, उसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस द पुअर प्रोग्नोस्टिक साइंस, एजिंग, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री एंड ट्रीटमेंट. तो अभी आज भी बहुत सारी टर्म्स थी, कुछ तो आपने सवाल पूछ लिए, कुछ जो सवाल रह गए हैं वो पूछ लें ताकि आप क्लियर हो जाएं और मैं भी फारिग हो जाऊँ आज के अभी तक जितना मैंने पढ़ाया. डर्मोस्कोप मौजूद है तो डर्मोस्कोपी करनी चाहिए.
लेकिन अगर डर्मोस्कोप मौजूद नहीं है तो उसकी बायोप्सी करनी चाहिए, क्योंकि अगली डकलिंग साइन एक क्लिनिकल साइन है टू डिटेक्ट अ मैलिग्नेंट मेलानोमा। ठीक है सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, एक होगा जो नॉर्मल, मतलब जिस जो तकरीबन नॉर्मल निवाइज होंगे, और सपोज उसी एग्जांपल को कंसीडर करें, दो अनयूजुअल है, तो उन दोनों उन मतलब तीन उन तीनों की हमें लेनी चाहिए बायोप्सी, या एक अनयूजुअल की लेना और एक नॉर्मल की लेना? हमें नॉर्मल वेस्ट में कभी भी मतलब बहुत कॉमन है कि एक बंदा एक वक्त में दो तीन बायोप्सियां करवा जाता है। ठीक है, मतलब हमारा इशू आपको पता इतना नहीं है, लेकिन अगर तो दो तीन एबनॉर्मल शेप के निवाए हैं तो व्हाई टू बायोप्सी वन, व्हाई नॉट बायोप्सी ऑल द थ्री? सस्पेक्टेड है ना, या तो आप अगर आपको फॉर एग्जांपल एक में मैलिग्नेंट मेलानोमा निकल आया तो उसका क्या मतलब है कि बाकी दो में नहीं होगा? और ये बात आपको मैं बताऊं कि मैलिग्नेंट मेलानोमा का जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है वो क्या है? What is the treatment of choice of malignant melanoma? Sir, we'll go for micrographic surgery. And malignant melanoma ka jo treatment of choice hai, wo surgery hai. Kyunki these are radio resistant tumors. Aur jo chemotherapies hain, wo bhi itni effective nahi. So isliye jab surgery hone ka chance hoga, to we will always go for surgery. तो जितना भी एबनॉर्मल लुकिंग नीवाएं हैं उनको सर्जरी से ही निकालना है। ठीक है, तो एक्सीजनल बायोप्सी वुड बी द चॉइस। एक्सीजनल बायोप्सी, लेकिन आपको ना वो उसके भी कुछ है कि कितनी बड़ी बायोप्सी हमने करनी है, वो आपको कल अगली दफा बताऊं। सर इसमें वन मोर थिंग, इसमें हमें जो नॉर्मल लुकिंग नीवाएं हैं उनमें उनको भी रूल आउट करना चाहिए एक बायोप्सी करके? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, क्यों? सिर्फ नॉर्मल को टच करने को। ठीक है, ठीक, यही तो सारा इतनी जो मेहनत की जा रही है या इतना जो डिस्कशन किया जा रहा है उसका मकसद ये है कि आपको नॉर्मल और एबनॉर्मल में डिफरेंस आना चाहिए, वरना अगर एक आप वाइट स्किन इंडिविजुअल में अगर आप शक की बुनियाद पे बायोप्सियां करने लगे तो फिर तो वो छेदा छेद कर देंगे उसको, आप बंदे को कितनी बायोप्सियां करेंगे आप? तो जब तक आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे नॉर्मल को एबनॉर्मल से, तो सारा का सारा ये अंडरस्टैंडिंग ही बेकार हो जाती है। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन है। सर जो अभी आपने बताया ना माइटोटिक फिगर्स का कि हम उसको फाइव फील्ड्स में देखेंगे, तो सर कितना कोई स्पेसिफिक नंबर है कि हमें कितने नंबर है? वो स्पेसिफिक नंबर मैंने आपसे अभी डिस्कस नहीं किया, सिर्फ अभी आज के दिन सिर्फ ये डिस्कस किया था कि माइटोटिक फिगर हमने देखनी, क्योंकि स्पेसिफिक नंबर के हिसाब से प्रोग्नोसिस है। फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इट इज नॉट टू बी कोटेड, कि अगर पांच माइटोटिक फिगर पर पांच हाई पावर फील्ड हैं तो उसका 1-3% 5-year सर्वाइवल कम हो जाएगा। अगर वो 15 फिगर्स पर पाए हाई पावर फील्ड हैं तो उसका से 5 साल 5-year प्रोग्नोसिस जो है वो 5% कम हो जाए। इस तरह से जैसे जैसे नंबर ऑफ माइटोसिस इंक्रीज होते रहेंगे जो 5-year सर्वाइवल की परसेंटेज कम होती चली उसका ना। मेलानोमा इज सच अ वाइडली स्टडीड और मेरे ख्याल है डर्मेटोलॉजी में जितना मेलिग्नेंट मेलानोमा पे काम हुआ है शायद ही किसी और चीज से हुआ, क्योंकि ये जाहिर इशू गोरों का है और वो ही रिसर्च कर रहे हैं, तो इतने क्राइटेरियाज हैं, इतना डिटेल है, हमने सिर्फ वो चीजें टच करनी है जो इम्पोर्टेंट हों, कॉन्सेप्चुअल हों और आपकी अंडरस्टैंडिंग में भी आती। आप इसमें डीप से डीप चलते चले जाएंगे, कोई एंड नहीं है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो मुझे लगा कि जितनी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए मैंने वो चीजें उनका जिक्र किया, आप उस चीज से अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो नुकसान खुद उठाएंगे, मेरा नुकसान कोई नहीं। सर एक क्वेश्चन था सर,
सर जैसे आपने पेरिटोइड स्प्रेड ऑफ ट्यूमर समझाया था सर, प्लीज पेरिफेरिंग ऑफ ट्यूमर का कुछ बता देंगे कि पेरिटोइड दूसरा पेरिटोइड स्प्रेड की बात कर रही हो ना? नहीं सर वो समझ में आ गया, पैलिसेडिंग ऑफ ट्यूमर जब हम कहते हैं तो उसका मतलब तो लव मैंने आज इस्तेमाल ही नहीं किया। नहीं सर आपने किया नहीं सर, ये मैं पूछना चाह रही हूँ कि जैसे पेरिटोइड स्प्रेड तो नहीं बनता, पैलिसेडिंग तो मेलानोमा का कोई फीचर ही नहीं है ना, ये तो बीसीसी का फीचर है पैलिसेडिंग, ये तो मेलानोमा का फीचर ही नहीं है, तो क्या हम कंपेयर करें पेरिटोइड स्प्रेड से पैलिसेडिंग को? सही है सर। बस नो मोर क्वेश्चन, थैंक यू सर। चलो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट।